265 DI हाईटेक स्मार्ट हाइड्रोलिक। ये वन कंडीशन है ट्रैक्टर की। थ्रेसिंग होने के लिए जा रहा है, इसमें अनाज रखेंगे, गेहूं रखी जाएगी इसमें, और ऊपर बादल किस तरह है। ये जो टायर है ये 12/28 का टायर है, रियर टायर हो जी, फ्रंट टायर है ये 616 का टायर है। दो 265 की ताकत का दोस्तों आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है। महिंद्रा 265 की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया आज तक किसी भी किसान भाई ने इसमें। मतलब इस इतनी दम है कि जहाँ पे भी इसको लगा दिया जाए तो ये हार नहीं मानता, उसी काम को बहुत आसानी से कर देता है। इसकी हेडलाइट देखिए आप, हेडलाइट इस ट्रैक्टर को सभी ट्रैक्टरों से अलग बनाती है। महिंद्रा का जो नाम है वो ब्रांड है, एक तरह महिंद्रा एक तरह ब्रांड है। इसमें जो टायर डले हुए हैं वो गुडियर के टायर हैं, भूमि पुत्र ट्रैक्टर गुडियर के टायर हैं दोस्तों। 12/28 का टायर है ये देख रहे हैं आप, रियर टायर 12/28 में, और ये मॉडल DI का 265 मॉडल है ये देख सकते हैं आप, DI का 265 मॉडल। और इसकी जो हेडलाइट काफ़ी बड़ी है और बहुत उजाला देती है, तो रात में अलग ट्रैक्टर चमकता है कि महिंद्रा की लाइट की वजह से अलग से दिखाई देता है कि हाँ महिंद्रा है। तो भूमिपुत्र ये खेतों का राजा है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके सभी काम को करने वाला एक ही ट्रैक्टर है, उसका नाम है महिंद्रा 265 DI। किसान के लिए सबसे सस्ता और छोटा ट्रैक्टर, और लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है ये ट्रैक्टर। ये वन कंडीशन के साथ में है ट्रैक्टर दोस्तों। किसानों के सभी कामों को करने वाला ट्रैक्टर, थ्रेसर चाहे थ्रेसर चला सकते हैं आप इस पे, रोटावेटर चला सकते हैं आप इस पे, कटर मशीन होती है जो गेहूँ काटने वाली, कल्टीवेटर, हैरो, सूफा, ट्राली पे, मतलब सब चीज़ों पे चलने वाला ट्रैक्टर है ये दोस्तों महिंद्रा। इससे किसान कभी परेशान नहीं होता है। किसान का पूरा काम ये खुशी खुशी करता है ये दोस्तों। ये इससे अपना भी किराया कर लो, अपना भी घर का काम कर लो, दूसरों का भी किराया कर लो, सभी काम ये किसानों का खुशी खुशी करता है। कोई भी काम दुख के साथ नहीं करता है ये, ना ज़्यादा ये नाराज होता है। इस पर कोई भी इम्प्लीमेंट लगा दो तो ये हार नहीं मानता है दोस्तों। और इसकी महिंद्रा की एक खासियत है दोस्तों शुरू से ही, कि कंपनी इसमें जैसे कोई अनजान व्यक्ति इसे चला रहा है तो यहाँ पे कंपनी इसमें नंबर दे दी है कौन सा गियर कहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों दोस्तों। एक किसान के कृषि यंत्र के बारे में बताया है, तो वो कृषि यंत्र आपको कैसा लगा है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।